बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे पास तो कर हाँ। ये लोग रोज इतना काम कर रहे हैं। राजेश पटा थोड़ा दूर Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. हमारा जो नगर निगम में रेलवे म्यूजियम का जो शेल्टर था, उसमें जो भी हमारे ये लोग आकर के जो प्रवासी और जो फकीर वगैरह थे खानाबदोश, उनमें से हमने कुछ जगह डिस्प्यूट किए थे। गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली गेट हमारा आश्रय स्थल और पड़ाव आश्रय स्थल, तो बाद में जब वहाँ पे कोई पॉजिटिव निकला और उसके बाद सब जगह की जांच करी, तो इन तीनों जगह भी एक एक दो दो पॉजिटिव आ गए। तो इन जगह पे जो हमारे नगर निगम का जो नगर निगम के द्वारा जो स्टाफ लगाया गया था, जो कि तीन पारी में हमारे वहाँ कर्मचारी लगे हुए थे तीन, उसके अलावा पुलिस स्टाफ, हमारा सफाई स्टाफ, तो वो PWD का था, एरीगेशन का था, एजुकेशन के लोग थे और हमारे नगर निगम के इन सभी और पुलिस वालों की इनकी, जबकि जो विशेष जांच होनी थी तो सफाई कर्मचारियों की हमारी जांच हो चुकी है। इनके अलावा हमने हमारा जो नगर निगम का शास्त्रीय ढंग में सामुदायिक केंद्र है, वहाँ हमने इनसे स्वास्थ्य प्रशासन से अपील की थी कि एक जगह हमारी टीम भेज दें, तो हमारे सब कर्मचारी वहाँ मौजूद रहेगा और उनकी तरीके से जाँच हो जाएगी। आज उनकी वहाँ जाँच चल रही है और रिपोर्ट आने के बाद और जाँच होने के बाद इन कर्मचारियों को भी हम वापस कहीं और काम में नहीं ले रहे हैं। इनको हमने कह रखा बिल्कुल आप बिल्कुल होम आइसोलेट रहें, उस तरीके से रहें, और इसके बाद अब इनका नेगेटिव आएगा तो आगे फिर इनका कंटिन्यू काम करेंगे। क्या हुई है, किस वजह से हुई है? एक्चुअली जो प्रशासन, पुलिस और जो भी NGOs वगैरह जो खाना या व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, तो आज नगर निगम की तरफ से कॉल आया था प्रशासन की ओर से कि आप लोगों का टेस्ट होगा, तो आज हमारा वो टेस्ट हुआ कोरोना टेस्ट। कितने लोगों के आपके टेस्ट हुए? यूनाइटेड अजमेर के तो 8-9 जनों का हुआ आज। बाद में कर लेना फोन बंद।